यवतमाल जिले के दीघरा शहर पर इन दिनों मानो सड़क हादसों का मनहूस साया मंडरा रहा है। बुधवार की रात हिंदू शमशान भूमि से सटे दीघरा आर्नी बाईपास रोड पर क्रूजर और दोपहिया वाहन के बीच जोरदार टक्कर होने से भीषण सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार दो युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई। बुधवार की रात करीब 8 बजे घर की ओर लौट रहे बाइक सवार मोतीनगर के दो युवा सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। आर्नी रोड से दिग्रस की ओर आ रहे तेज रफ्तार चार पहिया क्रूजर वाहन से हुई जोरदार भिड़ंत में बुरी तरह जख्मियों में से याकूब हारून खान को जहां एक निजी अस्पताल में दाखिल किया तो गया, लेकिन दुर्भाग्य के बेहद गंभीर रूप से घायल हुए याकूब ने दम तोड़ दिया। वहीं इस सड़क दुर्घटना में घायल हुए सलीम खान बाबा खान को दिग्रस ग्रामीण अस्पताल में ले जाने के बाद सलीम की नाजुक हालत के मद्देनजर डॉक्टरों ने उसे उपचार के लिए एम्बुलेंस से यवतमाल के सरकारी अस्पताल की ओर रवाना किया, जिसके बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहे सलीम को यवतमाल के डॉक्टरों ने उसे नागपुर के मेडिकल अस्पताल रवाना किया। इस बीच सूत्रों ने बताया कि देर रात सलीम खान की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना का पता चलते ही मोतीनगर में शोक की लहर दौड़ गई। घटनास्थल पर और सरकारी अस्पताल में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। सरकारी अस्पताल में मृतक याकूब पर पोस्टमार्टम कर उसका शव को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार को मृतक याकूब के भतीजी की शादी थी। शादी के कई कामों में याकूब काफ़ी व्यस्त था। शाम को मेहमानों की रवानगी सहित बिछायत की सामग्री को लौटाने के काम में वह जुटा हुआ था। इन्हीं कामों को अंजाम देकर जब वह अपने साथी सलीम खान के साथ रात 8 बजे के करीब बाईपास मार्ग से होते हुए घर लौट रहा था, तब आर्नी रोड से तेज गति से आ रही क्रूजर वाहन के साथ दुपहिया वाहन की टक्कर हुई और यह हादसा पेश आया। सूत्रों ने बताया कि इस दुर्घटना के तुरंत बाद क्रूजर चालक ने अपनी गाड़ी को दिग्रस पुलिस थाने में जमा कर दिग्रस पुलिस को इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी। बहरहाल इस घटना की खबर लिखे जाने तक हादसे में बुरी तरह जख्मी सलीम खान पर नागपुर में पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू थी। इधर विभिन्न धाराओं के तहत क्रूजर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिग्रस पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बहरहाल शहर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मृतक याकूब के शव को उसके परिजनों सुपुर्द किया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सादे मिजाज के मेहनती युवक याकूब और हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहने वाले सलीम खान की मौत पर मोती नगर में शोक की लहर व्याप्त थी। खबर लिखे जाने तक याकूब की शहर के मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन की गई। बीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।